ये जो साधु बना हुआ था जीतू भाई, ये रह रहा था आपका मथुरा के बरसानानंद गांव के कुंज कुटी आश्रम में, और 25 जुलाई 2023 को इसको पकड़ा गया है जी। साधु मतलब बन के यह लोगों को पागल बना रहा था एक तरह से, और YouTube पे भी इसका आने का चस्का बना जब और संतों को देखा, और यह भी YouTube पे आया, लेकिन इसको पता नहीं था कि जो पुराने घाव हैं वो हरे हो जाएंगे और ये यहाँ पर पकड़ा जाता है। ये यहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा पकड़ा जाए, और पकड़ने की जो प्लानिंग थी सुदेश सर आपको पता होगा वो कितनी तगड़ी बनाई थी। यहाँ पे जो भूमिका रची गई थी दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा भूमिका रची गई थी कि भाई वो लोग आते हैं साधु के वेश में उसी आश्रम के अंदर, जहां पर उन्हें पता लगा था कि ये व्यक्ति जो पदम नाम का व्यक्ति है वो साधु के वेश में छुपा हुआ है। लेकिन आने के बाद भी वो ऐसा नहीं करते कि भाई आते अपना जांच पड़ताल करो, वहां पे छीना झपटी करो, पता करो पकड़ पकड़ कर भाई कौन कहां पे है। उन्होंने पहले वहां पे आए, आने के बाद सभी के साथ तालमेल बिठाया, और तालमेल बिठाने के बाद जैसे ही उनको पता चलता है कि एक साधु है, वो किसी से बात नहीं करता, अपने वेद ग्रंथों को पढ़ता रहता है, तो वो लोग उसके पास जाते हैं, और जाने के बाद उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, और उनको एक तरह से उसकी उसको अपनी बातों में बहलाते हैं, और बातों में बहलाने के बाद जैसे ही उसका राज खुलता है, और वहाँ पे उसके सर पे बंदूक रख दी जाती है, और उसको उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा। और जो बंदूक रखी गई थी वो थे ASI सहदेव और जनार्दन, और एक उनके साथ जो तीसरा था अशोक, वो था हेड कांस्टेबल। ये तीन लोग साधु बनकर उस आश्रम में आए थे। दरअसल यह घटना है दोस्तों, उड़ीसा के गंजाम जिले से इस घटना का शुभारंभ होता है। यह जो व्यक्ति था इसका असली नाम था पदमचरण, और 2001 में इसने एक आदमी की हत्या की थी, और आज तकरीबन 23 साल गुजर चुके हैं। हत्या करने के बाद यह आश्रम के अंदर साधु बनकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। यह गंजाम के श्रीराम नगर का रहने वाला था, और यह नौकरी के लिए दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दूं, यह नौकरी करने के लिए सूरत में जाता, वहां के एक चौराहे पर भाजी का ठेला लगाता है, यानी कि जो एक तरह से भाजी तरकारी होती है उसका ठेला लगाता है, और वहां पर अपना पैसे कमाने लगता है, और अपने परिवार को भी पैसा भेजा करता है। लेकिन वहां पर दिक्कत कहां आती है, जब बोलते हैं ना, सुदेश सर भी बोलते हैं कई बार कि जब समय उल्टा चलता है तो दिन चक्कर खाने लगते हैं, तो ऐसा ही इसके साथ होता है, इसका समय उल्टा चलता है, और एक लड़की के प्यार में ये पड़ जाता है जिसका नाम होता है रजनी। प्रेम प्रसंग में होने के बाद अब यह उसको भी धोखा दे रही थी, जो रजनी थी यह पदमचरण को धोखा दे रही थी, और ये दोनों का प्रेम के वादे होते हैं एक साथ जीने और मरने की, दोनों कस्में खाते हैं और कहते हैं कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। यहाँ पर शादी की तैयारियों में दोनों लोग जुट जाते हैं, और जो पदमचरण होता है शादी की तैयारियों के लिए यहाँ पर पैसे भी इकट्ठे करने लगता है। यानी कि दोस्तों जो पदमचरण था वो शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, यानी कि उसका पूरा के पूरा मन था कि भाई वो रजनी के साथ अपना घर बसाए, क्योंकि उससे प्रेम भी करता है और उसी से शादी करने का उसे मौका भी मिला था। लेकिन यहाँ पर जो रजनी थी, रजनी जो थी वह कुछ अलग ही टाइप की औरत थी, उसका तो प्रेम प्रसंग एक और लड़के के साथ चला हुआ था, यानी कि यहाँ पर पदमचरण को धोखा दे रही थी। उस लड़के का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है विजय, उसके साथ उसके प्रेम प्रसंग चले हुए थे, और एक दिन अचानक जब पदमचरण बाजार में अपनी शादी के लिए सामान खरीदने के लिए गया हुआ था, तो वह रजनी को उस विजय नाम के लड़के के साथ देख लेता है, और जैसे ही वो देखता है तो देखने के बाद साथ ही उनका उसका जो खून है वो खोलने लगता है। तो दोस्तों उसके बाद वो वहां पे कुछ नहीं कहता कुछ, और सीधा अपने घर पे चला आता है, और जहां पे वो दोबारा रजनी से मिलता है तो मिलने के साथ ही वो उससे पूछता है कि भाई तू ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो वहाँ पर जो पदमचरण है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है अपने रिश्ते को लेकर, अपने प्यार को लेकर, और अपनी शादी को लेकर। सच्चा प्यार कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो बिल्कुल सच्चा प्यार कर रहा था, वहाँ पे पदमचरण की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो रजनी थी वो यहाँ पे डबल गेम खेल रही थी, और डबल गेम की सज़ा उसको मिली भी थी। यहाँ पर जिस लड़के के साथ वह प्यार करती थी, यानी कि विजय के साथ, अब जो पदमचरण होता है विजय से मिलने की कोशिश करता है, वह सोचता है कि इसको समझा देता हूँ तो रजनी मान जाएगी, और वह उस लड़के जिसका नाम होता है विजय उसको मिलने के लिए एक एकांतिक जगह में बुलाता है, और विजय से कहता है कि भाई वो मेरी प्रेमिका है, उसका पीछा करना तू छोड़ दे, हम शादी करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह लड़का मानता नहीं है विजय, और उससे पहले वह रजनी को भी मना चुका था, लेकिन रजनी ने भी साफ साफ कह दिया था कि मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ, तुमसे मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है। अब यहाँ पर विजय को भी वह समझाता है, लेकिन विजय मानता नहीं है, और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे होता है एक बहुत बड़ा हत्याकांड। यहाँ पे जो पदमचरण होता है वो अपने जेब में रखा हुआ एक चाकू जिसको पहले से ही लेकर आया था
वो निकालता है और सीधा के सीधा जो विजय होता है उसके गले को रेंद देता है। उससे पहले थोड़ी बहुत मारपिटाई उन दोनों के बीच में होती है, लेकिन मारपिटाई के दौरान जो पदमचरण होता है वो विजय को नीचे डाल लेता है। नीचे डालने के बाद उसके सीने पर बैठ के उस चाकू से उसका गला रेंद देता है, और ऐसा करने के बाद वो सीधा वहाँ से भाग कर यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर उसको अभी अभी पकड़ा गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाना नंदगांव के कुंज कुटी आश्रम में आकर के वह बाबाजी का रूप धारण कर लेता है और यहाँ पर वह पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। जब वह अपने उस दोस्त को मार करके, यानी कि जब वह अपनी प्रेमिका के उस प्रेमी को मार करके, विजय को मार करके वह अपनी दुकान पर आता है, तो उसके बाद वह अपने घर यानी कि उड़ीसा गंजाम जिले जाता है अपने पिता से मिल करके। और फिर दोस्तों पीछे से उसकी जो प्रेमिका होती है वह देखती है कि उसका प्रेमी विजय मिल नहीं रहा है, तो वह समझ जाती है कि उसके पुराने प्रेमी पदमचरण ने उसको यहाँ पर एक तरह से चैलेंज दिया था कि तुम या तो मान जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी कि उसने पहले ही उसको आगाह कर दिया था उस लड़की रजनी को कि अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसे वो लड़की समझ गई थी कि हो ना हो कि पदमचरण ने ही विजय का काम तमाम यहाँ पे कर दिया है। तो वह लड़की पुलिस थाने में जाती है और 3 सितंबर 2001 को पदम के खिलाफ हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे दी जाती है पुलिस को, जिसको FIR कहा जाता है रजनी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों पुलिस भी जाती है उस पदम के घर पर, लेकिन वहां से वह फरार था। वह तो यहां पर आकर बरसाने नंदगांव कुंजकुटी आश्रम में महाराज बन चुका था, साधु का भेष लेकर यहां पे छुपा हुआ था, और लगभग 23 साल तक वो इसी तरह से छुपा रहता है। लेकिन यहां पर हम लोग पुलिस को एक शाबाशी देना चाहेंगे कि उन्होंने 23 साल पुराने केस को इतने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया जैसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोग सोच भी नहीं, यानी कि वो साधु जो पदम नाम का व्यक्ति था वो भी नहीं सोच सकता था कि 23 साल के बाद तुम्हारा किया हुआ पाप तुम्हारी आंखों के सामने होगा। क्योंकि लोकेशन से पता लग जाता है, जो ASI होते हैं जिसका नाम होता सहदेव, इनको केस दिया जाता है 23 साल बाद। जो वहां के 2023 में पुलिस कमिश्नर आते हैं विनोद कुमार, और वो केस देते हैं इन ASI जिनका नाम होता है सहदेव जी सर, और फिर ये उनके पिता का दोबारा से नंबर लेकर आते हैं और पिता के नंबर से इस पदमचरण का पता लग जाता है जी। और फिर उसकी लोकेशन जांची जाती है और फिर उसके बाद इसको धर दबोचा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि कोई कातिल कितना ही सातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस के कानून के हाथों से, वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि 23 साल तक एक व्यक्ति का पीछा करते हैं और 23 साल बाद उसको पकड़ लिया जाता है। तो कभी भी गलत करके ये ना सोचे कि भाई हम बच जाएंगे, हमेशा गलत का नतीजा गलत ही होता है। मैं बार बार अपनी घटनाओं में ये बताता हूँ, अपने चैनल पर बताता हूँ। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर इन घटनाओं को लाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी तरह से क्राइम को बढ़ावा दें, किसी व्यक्ति को क्राइम करके बचने का तरीका बताएं। हमारा उद्देश्य यह होता है कि आप लोग इन घटनाओं से कुछ ऐसा सीखें ताकि आप लोग ऐसी घटनाओं को करने से बच सकें और अपने जीवन में एक उन्नत जीवन का आनंद ले सकें। तो इसी तरह से देखते रहिए हमारे चैनल तिरछी बात को और हमें सपोर्ट करते रहिए। ये हमारे छोटे भाई हैं जीतू, आज के बाद ये भी हमारे साथ कुछ प्रोग्राम्स में शामिल हुआ करेंगे और यहाँ पर हम दोनों मिल करके आपके समक्ष ये रिपोर्ट्स लेकर आया करेंगे। तो साथियों मिलते हैं किसी एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।